Dear students, today we are going to connect a quiz competition here at International Hindu Public School, Tamgar. We have three teams, Team A, Team B and Team C. We will start from round first. First question is for Team A. Are you ready? Yes, sir. For Team A, how many districts are there in J&K and UT? J&K UT mein total kitne districts hain? 20 is right answer. Now for Team B, who is the current governor of J&K UT? J&K UT ka lieutenant governor kaun hai? Shudim Navsena is right answer. Now for Team C, which armor covers the entire body and protects the body? कौन सा आर्मर जो इंटायर पूरी बॉडी को जो है कवर करता है? करता है स्किन इज राइट आंसर. नाउ फॉर टीम ए क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूटी वार्ड ऑफ जेएनके? जेएनके का यूटी वार्ड कौन सा है? Please present is right answer. Now for Team B, what is the largest organ in the human body? हमारे जिस्म में सबसे बड़ा organ कौन सा है? Skin is right answer. Now for Team C, के लिए क्वेश्चन है How many days are there in a month? एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 days. इसके साथ ही पहला राउंड मुकम्मल हुआ. फाइनल राउंड क्वेश्चन स्टार्ट. फॉर फाइनल राउंड दिस क्वेश्चन इज फॉर टीम ए. विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जिसको ब्रेन कहा जाता है? सीपीयू इज राइट आंसर. नाउ फॉर टीम बी, वेयर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर यूटी की राजधानी कहां पे है? सिक्स मंथ राइट आंसर. सिक्स मंथ जम्मू श्रीनगर राइट आंसर. नाउ फॉर टीम सी, Where is the capital of India? New Delhi is right answer. Now for team A. Which is the largest river in J&K? J&K में सबसे बड़ा river कौन सा है? River, which is the largest river in J&K? J&K में जो सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? 30 सेकेंड आपको आंसर करिए. नाउ दिस आंसर विल दिस क्वेश्चन विल पास टू टीम बी. व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर इन जेएनके यूटी? जेएनके यूटी में कौन सा सबसे बड़ा रिवर है? नाउ दिस क्वेश्चन विल व्हाट चनाब इज राइट आंसर. बिल्कुल सही आंसर क्या है? रिवर चनाब जो है लार्जेस्ट रिवर है जेएनके यूटी में. नो फॉर टीम सी, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्राइंगल? एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? 3 राइट आंसर. नाउ फॉर टीम ए, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ रामबन डिस्ट्रिक्ट? रामबन डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या है? रामबन का पुराना नाम क्या है? नासबन इज राइट आंसर. नाउ फॉर टीम बी, वेयर वाज डिस्ट्रिक्ट रामबन फॉर्म? रामबन डिस्ट्रिक्ट का क्या कब हुआ? डिस्ट्रिक्ट रामबन कब बना? 2007 is right answer. Now for team C,
On which river is the Sawalkot hydropower project located? कौन से दरिया पे जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो सावलकोट है लोकेट करता है? कौन से जनाब? Now, final question is of the final round. Sub teams, are you ready? Yes, sir. For team A, question is when did J&K become a UT? Jammu Kashmir UT कब बना? 31 अक्टूबर 2019. Right answer. Now for team B. टीम बी के लिए क्वेश्चन होगा हु कॉल्ड गांधी जी महात्मा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? नौ अभी क्वेश्चन जो है टीम सी को पास होगा. टीम सी के लिए आप बताओ हु कॉल्ड गांधी जी महात्मा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? नौ दिस क्वेश्चन विल पास टीम ए. ए पे के पास अभी क्वेश्चन जाएगा हु कॉल्ड गांधी जी महात्मा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर. आज हमने जो क्विज कंडीशन जो क्विज कंपटीशन सिलेक्ट किया तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है. हमारे पास तीन टीमें थी, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी. तो जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा. जो टीम सी ने से स्टार्ट करूंगा. टीम सी जिसमें हमारे पास तौकीर, हसीब और रियान थे, इन्होंने 25 मार्क्स लिए हैं. जोरदार तालियों के साथ 25 मार्क्स. और इसके साथ टीम बी जिसमें हमारे जो टीम में थे शिक्षा, सिमरन एंड निस्बा, इन्होंने भी दो टीमों ने 20-25 मार्क्स लिए हैं. 25 टीम सी ने और 25 टीम बी ने. अब आती हमारी टीम ए की. इन्होंने जो है टोटल 30 पॉइंट्स हासिल किए करके